यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, गिवन अ पॉइंट पी जी माइनस वन माइनस थ्री एंड इमेज ऑफ पी इन द प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 4z माइनस टू इक्वल टू पॉइंट आर इज 3 माइनस वन माइनस टू, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। प्लेन क्वेश्चन है, समझिएगा, ये कोई प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमको दी हुई है 3x माइनस वाई प्लस 4z माइनस टू इक्वल टू जीरो। इस पर एक कोई पॉइंट है पी जिसकी कोऑर्डिनेट दिए हैं, इससे अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो ये आएगा m और ये इसकी इमेज आ गई r, सॉरी इमेज r को क्यूब, सॉरी इमेज को बोला है, और बोला पॉइंट r t माइनस वन माइनस टू, इसको रख के देख लीजिए 9 प्लस वन माइनस एट माइनस टू। यस, इसका मतलब r कहीं प्लेन पर ही है, r कहीं प्लेन पर ही है, तो r ऐसा हो सकता है 3 माइनस वन माइनस टू, राइट। अब आपको बोला गया है कि इसको मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो करना क्या चाहिए, देखिए एक तो सबसे पहले एक काम ये कर सकते हैं हम कि हम यहां से ये लेंथ निकाल सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर से, निकालिएगा 0 1 माइनस 12 माइनस 2 अपॉन रूट 9 प्लस 1 प्लस 16 रूट 13 बाय रूट 26, सॉरी 13 बाय रूट 26, या ऐसा भी बोल सकते हैं इसको 1 बाय, देखिए इसको लिख सकते हैं रूट 13 इंटू 13, तो एक कैंसिल तो 2, तो रूट 13 बाय 2, यानी ये लेंथ आ गई रूट ऑफ 13 बाय 2। अच्छा ये आ गई लेंथ, अब ये लेंथ हम अगर मैं ये लेंथ निकालूं तो 9 प्लस 0 प्लस 1 यानी ये लेंथ है रूट 10, तो पैथागोरस थ्योरम से ये लेंथ निकाली जा सकती है। तो पैथागोरस थ्योरम से अगर ये लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, रूट 10 का स्क्वायर इक्वल टू आर एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, यानी 10 माइनस 13 बाय 2 इक्वल टू आर एम का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 बाय 2 इक्वल टू आर एम का स्क्वायर, यानी आर एम कितना आ गया रूट ऑफ 7 बाय 2, ऐसा सोचिए रूट ऑफ 7 बाय 2। अब एरिया तो इसका ट्वाइस होगा क्योंकि ये इमेज है, तो उतने ही डिस्टेंस पे होगी, इक्वी डिस्टेंस पे ही होगी, तो अगर ट्वाइस होगा तो हम क्या बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, अब बोलिए कितना 1 बाय 2 रूट 7 बाय 2 इंटू रूट 13 बाय 2, अच्छा ये इससे कैंसिल, तो फाइनली आ गया रूट ऑफ 91 बाय 2, रूट ऑफ 91 बाय 2 इज अ राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, एक प्लेन दिया था, इस प्लेन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमें इमेज दी थी क्यू, एक आर पॉइंट ऑन द प्लेन दिया था, तो आपको बोला था इससे एक जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया बताना है, आपने डिस्टेंस पॉपुलेशन पी आर वैल्यू निकाली इजीली एरिया पॉइंट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते देखिए क्या है, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन मैंने आपको इसके कंसेप्ट बताए, इक्वल मान के करेंगे हम, 2 पावर रूट ऑफ साइन ऑन 4 पावर साइन स्क्वायर एक्स, आप लॉजिक समझो तो ये ऐसा है 2 पावर, अच्छा इसको हम चाहें तो 5 को 5 है पर 4 प्लस 1 प्लस 4 लिख सकते हैं, स्टेप सेव करना तो इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन एक्स और माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4, और इसको 2 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं क्योंकि मैं इसको ऐसा लिख सकता था, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। अब लॉजिकली समझिए, इसकी वैल्यू ठीक 0 होगी तो 2 पावर 0 1 होता है या उससे कम होना चाहिए, इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू 0, मतलब लॉजिकली साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई, राइट। अब थोड़ी देर के लिए अगर मान लू तो एक ही कंडीशन में ये इक्वल हो सकता है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सोचिएगा जरा, अगर साइन एक्स की जगह ठीक मैक्सिमम वैल्यू 1 होती 1 रख दू तो 1 माइनस 1 0, उस केस में 2 मिलेगा, और यहां पर अगर साइन वाई की जगह 1 रख दू तो भी 2 मिलेगा, यानी एक ही पॉसिबिलिटी है उससे कम। अब ये अंडर रूट से क्वांटिटी हमेशा मॉड क्वांटिटी होती है, तो हम बोल सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन वाई, क्या बोल सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन वाई, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, 0 टू 2 पाई साइन एक्स प्लस 1 प्लस कॉस 3x, राइट। अब अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो क्या होगा, एक प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए थे
ये i इक्वल टू, अगर आप इसमें 0 टू 2 पाई मतलब 0 टू a एफ एक्स इक्वल टू होता है 0 टू a एफ ए माइनस एक्स, अगर मैं इसमें लगाऊं तो साइन 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, माइनस ऑफ साइन एक्स। अच्छा यहां पर कितना होगा, ये होगा 1, ये सेम रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्योंकि पॉजिटिव होता है दिस इज। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 2i इक्वल टू 0 टू 2 पाई, देखिए क्या आएगा साइन एक्स, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहा था, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, अलग अलग भी लिख सकते हैं साथ भी लिख सकते हैं, माइनस सॉरी प्लस ऑफ माइनस साइन एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है राइट, एंड दिस इक्वल टू माइनस 2 पाई 2 पाई देन i इक्वल टू माइनस ऑफ पाई। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं चाहे तो कि अगर मैं आपको बोलूं 0 से 2 पाई में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स को करना है सॉल्व, तो मैं इसको चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, और प्लस अगर इसमें प्रॉपर्टी लगा दूं तो 0 टू 2 पाई माइनस साइन एक्स, क्योंकि यह कॉस भी साथ में था, ऐसे लिमिट तोड़ नहीं पाएंगे हम, और आप सॉल्व करोगे तो इसकी पूरी पीरियोडिक में ये माइनस पाई मिलेगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ये दो बार निगेटिव में जाएगा माइनस वन माइनस वन, वैसे ही यहां पर, तो यहां पर आंसर आएगा 2i इक्वल टू माइनस 2 पाई देन i इक्वल टू माइनस ऑफ पाई। यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइपरबोला हैज सेंटर रीजन, हाइपरबोला एज सेंटर एज ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू 4, -2√3 एंड हैविंग डायरेक्ट्रिक्स 5x इक्वल टू 4√5 देन इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, मतलब इसेंट्रिसिटी की एक इक्वेशन बतानी है, एक हाइपरबोला की इक्वेशन हम ये ले लें x2 / a2 - y2 / b2 = 1 पासिंग थ्रू बोला है 4 तो 16 / a2 - 4 / 12 / b2 = 1 ये एक इक्वेशन आ गई। अच्छा एक और बात सुनिए, स्टैंडर्ड हाइपरबोला तो x इक्वल टू है 4√5 इसेंट डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e तो प्लस ही ले लें तो a बाय e आपको दिया है 4√5 या a2 / e2 दिया हुआ 16/5 राइट। एक चीज याद रखिए e की इक्वेशन बनानी तो e की वैल्यू मेरे पास आ गई 16/5 e2। ऐसे ही अगर मैं b को चाहूं तो b2 = होता है a2 * e2 - 1 इसका मतलब b2 की जगह मैं लिख सकता हूं 16/5 e2 * e2 - 1 तब में आ गई और इसकी वैल्यू आ गई। अब आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए ऐसा ही है 16b2 - 12a2 = a2b2 राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप वैल्यू रखते चलिए तो आप जब वैल्यू रख देंगे तो आपको इक्वेशन भी बन जाएगी। देखिए क्या होगा 16, अच्छा यहां पर याद रखिएगा ऐसा आएगा 16b2 की जगह रखा 16/5 e2 * e2 - 1 - 12 a2 तो ए स्क्वायर की जगह रखा 16/5 e2 = a2 यानी 16/5 e2 * 16/5 e2 - 1। अब सुनिएगा 16/5 e2 कैंसिल, एक तरह से मुझे मिलेगा 16 * e2 - 1 - 12। देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक बस लिखने में नहीं होना चाहिए, ये करा हमने 16 * b2 तो 16/5 e2 * e2 - यहां पर -12 ही बचेगा क्योंकि e स्क्वायर था, a स्क्वायर की वैल्यू रखी ठीक है, इक्वल टू 16/5 आप कॉमन ले चुके थे, a स्क्वायर 16/5 e2 एक तरह से कैंसिल हो गया ऐसा मान लीजिए क्योंकि a स्क्वायर का टर्म में ये कैंसिल हो गया 16/5 e2। अब क्या क्या बचा है, अब बचा 16/5 e2 * e2 - 1 राइट। अभी भी कॉमन निकल के कैंसिल तो 4 * e2 - 1 - 3 = 4e2 * e2 - 1/5। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको एक फाइनल रिजल्ट भी मिल जाएगा क्योंकि e पावर 4 के टर्म में आंसर है राइट। ये क्या क्या आ जाएगा वो देख लीजिए, पर सॉल्व करके यहां देख लेते हैं कहीं पे, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में स्टेप वाइज ज्यादा था बाकी और कुछ भी नहीं था। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20e2 - 20 हो गया था तो -20 - 15 ठीक है = 4e4 - 4e2। सबको एक तरफ ले लीजिए 4e4
माइनस 24 ई पावर 4 प्लस 35 इक्वल टू जीरो, देखिए ऑप्शन ए यही लिखा है, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, बस कंपेयर करके आपने इसको सॉल्व कर दिया, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस एक्स जी एक्स इक्वल विच एफ ऑफ जी एक्स इज इंक्रीजिंग, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, एफ ऑफ जी एक्स एक तरह से नया फंक्शन मान लो पी एक्स जैसा, तो एफ जी एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इसमें भी आएगा यहां पे रख दीजिए, तो ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स के प्लेस पे किया जाएगा एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करें जाएगा, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना, तो एफ डैश इसको पी डैश एक्स मान लीजिए, तो क्या आएगा देखिए, ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन टू टू एक्स माइनस वन माइनस ऑफ टू एक्स प्लस ऑफ वन, तो एक तरह से मैं इसमें से टू एक्स माइनस वन चाहूं तो कॉमन भी ले सकता हूं, तो ये मिलेगा ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का वन, राइट। अब एक बात समझिए, यहां पर कंडीशन लगेगी इंक्रीजिंग के लिए, अब हम लॉजिक से देखें तो कब कब हो सकता है, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन वन बाय टू हुई, मतलब टू एक्स माइनस वन लेस देन जीरो यानी एक्स लेस देन वन बाय टू हुआ, तो ये निगेटिव मिलेगा, तो उस केस में ये भी एक्स की वैल्यू वन बाय टू होगी, ये भी निगेटिव मिलेगा, यानी ऑप्शन एक, और फिर इसके अलावा टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो यानी एक्स ग्रेटर देन वन बाय टू, राइट, अब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन बाय टू हो और इसको क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ग्रेटर देन जीरो यानी एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो यानी वन के बाद, वन के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉमन इंटरवल हो गया वन टू इन्फिनिटी, तो करेक्ट हो गया जीरो टू वन बाय टू कॉमा वन इन्फिनिटी, यहां पर आप लीजिए एक लेस देन वाला और एक ग्रेटर देन वाला, अच्छा ये पॉजिटिव होगा अगर ये पूरा वन से जीरो से बड़ा हो जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक केस आ गया वन इन्फिनिटी, और एक बार ये अगर जीरो से छोटा हो गया तो ये रिजल्ट निगेटिव होगा और ये रिजल्ट भी निगेटिव होगा, उस पर यह पॉजिटिव मिल जाएगा, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।